मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति लोनी एंड आई एम लेक्चर इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कपूर बागेश्वर। आज का टॉपिक है वस्त्रों की देखभाल एवं संरक्षण। ये बीए सेकंड सेमेस्टर की फिफ्थ यूनिट का चैप्टर है, जिसमें कि वस्त्रों की देखभाल हम कैसे करें और इसको किस तरह से संरक्षित करें ताकि वो लंबे समय तक उसका मेंटेनेंस बना रहे। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक वस्त्रों की देखभाल एवं संरक्षण। वस्त्र मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है। वस्त्र शारीरिक स्वास्थ्य, समाज में आपको सम्मान तथा प्रतिष्ठा दिलाने में, व्यक्ति को मानसिक संतोष देने में, व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। अनेक प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके पहनने मात्र से ही वस्त्रों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो जाती, बल्कि उसकी उचित देखभाल, संग्रह व संरक्षण करने के तरीकों व सावधानियों की ओर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा ना किया जाए तो वह जल्दी फट जाते हैं तथा उनकी आकृष्ट करने की क्षमता भी नष्ट होने लगती है। वस्त्रों की समुचित देखभाल व संरक्षण से उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनका आकर्षण बना रहता है। अगर ज़रा सी लापरवाही की जाए तो बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्त्र नष्ट हो सकते हैं, परिणाम स्वरूप धन का अपव्यय होता है। इसलिए वस्त्रों की समय समय पर मरम्मत, धुलाई, सफाई, इस्त्री, धूप तथा हवा दिखाना, ठीक प्रकार से संग्रह करने से वस्त्रों की कार्यक्षमता बढ़ती जाती है। अतः वस्त्रों की देखरेख में विलम्ब व असावधानी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह कथन सत्य है कि इनकी जितनी अधिक सावधानी हम रखेंगे, वे उतने ही दीर्घायु होंगे व हमारी अधिक अच्छी तरह सेवा करेंगे। स्टेला सौंदराज ने लिखा है, द ग्रेटर वी केयर वी टेक ऑफ इट, द लॉन्गर इट विल लास्ट एंड बेटर इट विल सर्व। वस्त्र को कुछ समय तक विश्राम देने से भी उनके कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जितना हम वस्त्रों का देखभाल करेंगे, जितना हम उस पर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा लंबे समय तक वो अच्छे बने रहेंगे और हमारी भी सेवा उतने ही लंबे समय तक करेंगे। गृहिणी को वस्त्रों की देखभाल व संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि पहला है वस्त्रों का समुचित संग्रह। सभी प्रकार के वस्त्रों को थोड़े या अधिक समय के लिए संग्रह करना पड़ता ही है। वस्त्रों का संग्रह करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छ वस्त्रों को गंदे कपड़ों के साथ ना रखें, वस्त्रों की सफाई करके ही उन्हें संभाल कर रखें। दाग धब्बे युक्त वस्त्रों का संग्रह अलमारी या बॉक्स में ना करें, क्योंकि धब्बे वाले वस्त्र एक साथ जब स्वच्छ वस्त्रों के बीच में तह करके रखे जाएंगे तो वो सभी तहों को खराब कर सकते हैं। वस्त्रों को संचित करने के लिए उपयुक्त आकार के बॉक्स, अलमारी, रैक आदि का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें वस्त्र रखने से पहले भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। वस्त्रों को रखने से पूर्व इनमें लगे पिन, बेल्ट, जेब में रखी वस्त्रें निकाल लें। ऊनी वस्त्रों को संचित करने के लिए अलग तरह की सावधानी होती है। इन्हें किसी अखबार, कागज या पॉलीथीन की थैली में लपेट कर ही रखें ताकि धूल कण व कीटाणु इन्हें खराब ना कर सकें। लंबे समय तक संचित करने वाले कपड़ों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें, जैसे कि माय प्रूफ पाउडर, फिनाइल की गोलियां, डीडीटी, ओडोनिल, बेंजीन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की सूखी पत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिस स्थान पर वस्त्रों का संचय किया जाए वह स्थान नमी और अंधकार से मुक्त हो। नमी व अंधकार मुक्त युक्त स्थान पर फफूंदी लग जाती है, जो कि वस्त्रों को नष्ट कर सकती है। इट सेकेंड पॉइंट है वस्त्रों को समय समय पर हवा व धूप के संपर्क में रखना। पुराने वस्त्रों को उस समय तक संदूक व अलमारी में नहीं रखना चाहिए जब तक कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में हवा ना दे दी गई हो, अर्थात उन्हें अलमारी या संदूक में तभी रखें जब उनको धूप, मतलब उनको सुखा कर अच्छी तरह से, नमी बिल्कुल भी ना रहे, धूप में और हवा में सुखा कर ही उनको अलमारी में बंद करना चाहिए। जिन वस्त्रों को लंबे समय तक संग्रह किया जाता है उन्हें समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। जैसे कि ऊनी वस्त्र, अगर उन्हें बहुत टाइम तक छः सात महीने के बाद ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता है, तो उन्हें धूप में बीच में सुखाते रहना चाहिए या तो उन्हें हवा के संपर्क में भी रख सकते हैं। धूल के कण वस्त्र के सतह पर जमकर उसे गंदा कर देते हैं।
उसे ब्रश से झाड़कर धूल रहित कर देना चाहिए। ब्रश करने से पहले समस्त जेबों को खाली कर अच्छी तरह हिलाकर देख लेना चाहिए कि ब्रश वस्त्र के अनुकूल है अथवा नहीं। पसीने की आम्लिक प्रतिक्रिया के कारण, क्योंकि पसीने में आम्ल होता है, इस वजह से प्रतिक्रिया जो वस्त्रों के साथ होती है वो वस्त्रों के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। धूप व हवा के प्रभाव से यह हानिकारक नहीं हो पाता है। अगर वस्त्रों को हम धूप में सुखाते हैं किसी भी अलमारी या बॉक्स में बंद करने से पहले, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो उतनी हानिकारक नहीं होती है। रेशमी वस्त्र अत्यंत कोमल होते हैं, अधिक धूप धूप लगने पर वे खराब हो सकते हैं। इसकी वजह से उन्हें कम धूप में ही सुखाना चाहिए। फिर थर्ड है दाग धब्बे छुड़ाना। हमने देखा होगा आपने कि कितनी भी सावधानी रखो पर कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनमें दाग धब्बे लग ही जाते हैं। अब दाग धब्बे की वजह से वस्त्रों की सुंदरता में कमी आती है और पहनने वाले को भी लापरवाह समझा जाता है। इसलिए धब्बा लगते ही उसे छुड़ाने का कार्य तुरंत करना चाहिए। ताज़े धब्बे छुड़ाना सरल होता है, पुराने धब्बे छुड़ाना कठिन होता है। अतः वस्त्रों को बॉक्स या अलमारी में रखने से पहले धब्बे छुड़ाना अत्यंत आवश्यक कार्य है। विभिन्न प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग रेशों से बने वस्त्रों के दाग धब्बों को छुड़ाने की प्रक्रिया भी अलग होती है। धब्बों को छुड़ाने के लिए अम्लीय, क्षारीय व उदासीन प्रकृति के प्रतिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ अवशोषी व विलायक प्रकार के प्रतिकर्मक भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फिर धोने की उचित विधि क्या होती है? वस्त्रों के टिकाऊपन व उनकी सुरक्षा का धुलाई से गहरा संबंध होता है। वस्त्रों की धुलाई उनके रेशे और बुनावट की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त विधि से की जाती है, तो उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है तथा वे आकर्षक बने रहते हैं। यह सत्य है कि वस्त्रों का पहनने पर गंदा होना स्वाभाविक है। अत्यधिक गंदा वस्त्र हो इससे पहले उसे धो लेना चाहिए। अधिक गंदे वस्त्र धोना ज़्यादा कठिन होता है। वस्त्र यदि घर पर ही धोए जाएं तो अधिक अच्छा होता है। रंगीन वस्त्रों को सफ़ेद वस्त्रों से अलग रखकर ही धोना चाहिए। रंगीन वस्त्रों को भी कच्चे और पक्के रंग के अनुसार अलग अलग धोना चाहिए। कुछ वस्त्रों का रंग बहुत जल्दी निकल जाता है और कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनका रंग पक्का होता है, तो उनको अलग अलग धोना चाहिए। कुछ वस्त्रों को हल्के हाथ से रगड़ कर धोया जा सकता है और कुछ वस्त्र को भट्टी पर चढ़ाना आवश्यक होता है, अर्थात उनके लिए हम किसी ब्रश का या मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब उचित विधि से स्तरीकरण। अब वस्त्र धुल गए, सूख गए, उसके बाद उनका स्तरीकरण मतलब आयरन करने के लिए भी उचित विधि ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी प्रकार के वस्त्रों को एक पर एक ताप से स्तरीकरण यानी आयरन उचित नहीं होता। ताप सुनम्य रेशे से जो बने वस्त्र होते हैं उन्हें बिना इस्त्री के पहना जा सकता है। गर्म व ऊनी वस्त्रों पर हल्की गर्म इस्त्री करनी चाहिए। इन पर इस्त्री करते समय पुराना बारीक कपड़ा बिछा कर इस्त्री करनी चाहिए। निटिंग किए हुए कपड़ों पर रगड़ कर इस्त्री नहीं करनी चाहिए। सूती वस्त्रों पर आवश्यकता अनुसार बहुत गर्म इस्त्री की जा सकती है। रेशमी कपड़ों के रेशे कोमल होते हैं, ये तीव्र ताप को सहन नहीं कर पाते, इसलिए इनको उल्टा करके इस्त्री करनी चाहिए ताकि इनकी सुंदरता नष्ट ना हो। तात्कालिक मरम्मत। दैनिक जीवन में डेली हम जो वस्त्र पहनते हैं वो अगर फट जाते हैं या उधड़ जाते हैं या कोई किसी का बटन टूट गया, तो इनकी मरम्मत, इनका मेंटेनेंस तुरंत कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा समय बचता है और हमारी मेहनत कम लगती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम, तो वस्त्र अधिक फटता जाता है और इसकी आयु कम होती जाती है। कहा भी गया है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अर्थात अगर समय पर स्टिचिंग या उधेड़ जितनी मरम्मत है की जाए तो वो टाइम बचाती है और वस्त्र को भी वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाती है। वस्त्रों के काज पिटने के समय समय पर जांच कर लेनी चाहिए। यदि काज चौड़े हो जाएं तो उन्हें छोटा कर लेना चाहिए। बटन टूटने पर तुरंत ही वैसे ही बटन लगा लेना चाहिए। होसरी एवं बुने हुए वस्त्रों की मरम्मत यदि समय पर नहीं की जाती है तो उनके फंदे गिरने लगते हैं। एक फंदे गिरने के कारण वस्त्र उधड़ता चला जाता है, इसकी वजह से पूरा वस्त्र ही बेकार हो जाता है। निटेड कपड़ों में यही अवगुण देखने को मिलता है, अतः बुने हुए वस्त्रों की मरम्मत तो अतिशीघ्रता से कर ही देनी चाहिए। इन वस्त्रों में एक टांका अगर खुल गया तो सीढ़ी सी बनती चली जाती है और तुरंत अगर मरम्मत नहीं की गई तो खींचकर
एक धागा अगर खुल गया तो वो खींचकर खींचते खींचते पूरा सीढ़ी बन जाती है और वस्त्र खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। जब हम वस्त्र प्रयोग करते हैं तो वो अक्सर ही गंदे हो जाते हैं, उनमें से बदबू आने लगती है, पसीने की धूल कण बालू। इन वस्त्रों में उपस्थित धूल कण, बहुत ही पसीने की बदबू की वजह से वस्त्र गंदे हो जाते हैं। गंदे एवं मैले वस्त्रों पर कीट, फफूंदी, बैक्टीरिया आदि का आक्रमण अति शीघ्रता से होता है और कुछ ही दिनों में वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। बालों के जो कण होते हैं वो बहुत तीव्र धार वाले होते हैं, इनके किनारे तीक्ष्ण होते हैं, अतः रेशों से रगड़ खाते हैं और आखिरकार उन्हें तोड़ देते हैं, जिससे कि वस्त्र उसी स्थान से फटने लगता है जहाँ पर बालों के किनारे लगते हैं। इसलिए गंदे वस्त्रों की उचित सफाई धुलाई करना अनिवार्य होता है। साबुन एवं शोधक पदार्थों का उचित चुनाव। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के साबुन और डिटर्जेंट यानी कि शोधक हम इस्तेमाल करें। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं जिनमें क्षार की अधिकता होती है, अतः इनका प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रों पर नहीं किया जा सकता। सूती एवं लिनन के वस्त्रों पर किसी भी क्षार का विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें सोडा अथवा साबुन से निसंकोच होकर धोया जा सकता है, परंतु महीन एवं कोमल सूती वस्त्रों को कड़े साबुन से नहीं धोना चाहिए। ऊनी रेशमी वस्त्रों के लिए कोमल हल्के साबुन या अपमार्जक का प्रयोग करना चाहिए। फिर अन्य सावधानियां हम क्या बरत सकते हैं वस्त्रों के लिए। इन सब बातों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान एक गृहिणी को रखना चाहिए, जैसे कि वस्त्र धोते समय उचित शोधक व उचित अपमार्जक का ही प्रयोग करें। उचित विधि कौन सी इस्तेमाल की जाए कि वस्त्र के प्रयोग के बाद पसीने व दुर्गंध से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें खुली वायु व प्रकाश में डाला जाए, उन पर लगी अलग्न धूल कणों को ब्रश से झाड़कर साफ कर दिया जाए ताकि वस्त्र शीघ्र गंदा ना हो। यह सारे सभी उपाय वस्त्र की कार्यक्षमता, टिकाऊपन व उसको लंबी आयु प्रदान करने में अति सहायक होते हैं, जिससे कि वस्त्र बहुत दिनों तक उपभोक्ता को सेवा और संतुष्टि प्रदान करता है। तो यह आपका हो गया आज का चैप्टर वस्त्रों की देखभाल एवं संरक्षण। अगर ऐसा कुछ भी इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।